मिस्टर स्किनीलेग्स। पेपा अपने गुड़ियों के घर से खेल रही है। जॉर्ज भी खेल रहा है। पेपा गुड़ियों के परिवार के लिए चाय पार्टी कर रही है। देखो जॉर्ज, मैं हूँ मम्मी और डैडी और तुम बच्चे बन जाओ। बच्चों, चाय का वक्त हो गया है, अपने अपने हाथ धो लो। जॉर्ज गुड़ियों को सुला रहा है। गुड नाइट। जॉर्ज, बच्चों को सुला क्यों रहे हो? के लिए चाय पार्टी है। जॉर्ज को गुड़ियों को सुलाना अच्छा लगता है। बच्चों, जल्दी से सीढ़ियों से नीचे आ जाओ, वरना तुम्हें केक नहीं मिलेगा। जॉर्ज सुन नहीं रहा, वो गुड़ियों को सुलाने में बिजी है। जॉर्ज, अगर तुम्हें मेरे गुड़ियों के घर से खेलना है तो तुम्हें चाय पार्टी में मेरी मदद करनी होगी। ये लो जॉर्ज, तुम इसमें पानी भर के ले आओ। बच्चों, अभी नीचे आ सकते हो। मम्मी हमारे हैं। जॉर्ज टीपॉट में पानी भर रहा है। जॉर्ज को बेसिन में मकड़ी मिली है। जॉर्ज को मकड़ी से दोस्ती करनी है। जॉर्ज को मकड़ी पसंद है। मकड़ी को भी जॉर्ज पसंद है। पेपा को चाय पार्टी करना बहुत पसंद है। सारे चॉकलेट बिस्किट्स कहाँ हैं डैडी? मैंने कल बहुत सारे देखे थे। ओह, मुझे माफ कर दो मम्मी, शायद मैं खा गया। हो हो हो। शरारती डैडी। जॉर्ज मकड़ी को बेड पर सुला रहा है। गुड नाइट। जॉर्ज, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें चाय पार्टी में मेरी मदद करनी है। बचाओ, बचाओ! डैडी, मेरे कमरे में एक मकड़ी है। हो हो, फिक्र मत करो। प्लीज डैडी, उसे बाहर निकालिए। हो हो हो, डरने की जरूरत नहीं है। हेलो जॉर्ज, क्या तुमने स्पाइडर को देखा? प्लीज डैडी, उसे निकालिए, वो बहुत डरावना है। डरने की जरूरत नहीं है पेपा, स्पाइडर्स बहुत ही छोटे छोटे होते हैं और वो कुछ नहीं करते। फिर भी चिंता मत करो, डैडी इसे बेडरूम से बाहर ले जाएंगे। वाह, ये तो काफी बड़ा लग रहा है। मैं मम्मी को बुला कर लाता हूँ। मम्मी पिग। हेलो मिस्टर स्किनीलेग्स। पेपा थोड़ी बहादुर हो गई है। उसे मेरे गुड़ियों के घर में अच्छा लग रहा है। हेलो बच्चों, सुना है कि तुम्हें एक छोटा सा स्पाइडर मिला है। मैं उसे कमरे से बाहर निकालती हूँ, फिर तुम दोनों खेल सकते हो। मम्मी, उसका नाम है मिस्टर स्किनीलेग्स। मिस्टर स्किनीलेग्स तो काफी बड़े हैं, है ना? पेपा और जॉर्ज को मकड़ी पसंद है। गुड नाइट। जॉर्ज मकड़ी को सुला रहा है। नहीं जॉर्ज, उसे चाय चाहिए, उसे अभी सोना नहीं है। क्या आपको भूख लगी है मिस्टर स्किनीलेग्स? क्या आप थोड़ा केक खाएंगे? पेपा को अब उस मकड़ी से बिल्कुल डर नहीं लग रहा। मम्मी डैडी, बैठ जाइए, अब हम सब मिस्टर स्किनीलेग्स के साथ चाय पियेंगे। चाय किसे चाहिए? मैं लूंगी। मुझे भी चाहिए। ये तो बहुत ही यम्मी है। पेपा को चाय पार्टी करना बहुत पसंद है। ये रही आपकी चाय मिस्टर स्किनीलेग्स। क्या हुआ? ओ, मेरे डैडी को हेलो बोलना है। हेलो डैडी पिग। रहने दो पेपा, अब मिस्टर स्किनीलेग्स को उनकी चाय जो पीनी है। आपको डर तो नहीं लग रहा है ना डैडी? ओह नहीं, बिल्कुल नहीं। इतने नजदीक मत लाओ इसे। पेपा को मिस्टर पतले पैर पसंद है। सभी को मिस्टर पतले पैर पसंद है। कैंपिंग। पेपा और उसका परिवार कैंपिंग के लिए जा रहे हैं। मुझे कैंपिंग बहुत पसंद है। हम पहुंच गए। पेपा, जॉर्ज, ये टेंट मैं छोटा था तब से मेरे पास है। डैडी, आप इन चीजों से टेंट कैसे बनाएंगे? चिंता मत करो पेपा, मैं कैंपिंग में एक्सपर्ट हूँ।
मम्मी पिग, लकड़ियों पर टेंट लगाओ प्लीज। देखा तुमने कितना आसान है। क्या ये खूंटे किसी काम के हैं? बिल्कुल, मैं पेग्स के बारे में तो भूल ही गया। पेग्स के सहारे टेंट खड़ा हो गया। हो गया। ये टेंट थोड़ा छोटा लग रहा है। जब मैं छोटा था तो ये बहुत बड़ा था, लेकिन अब ये छोटा क्यों लग रहा है? क्योंकि तब आप बच्चे थे और अब आप बड़े हो गए हो डैडी पिग। और आपका पेट सबसे बड़ा हो गया है। पेट से याद आया, चलो खाना बनाते हैं। आग जलाने के लिए हमें लकड़ियाँ जमा करनी होगी। पेपा और जॉर्ज कैंप फायर के लिए लकड़ियाँ ढूंढने में डैडी पिग की मदद कर रहे हैं। जॉर्ज, मैं लकड़ियाँ उठाऊंगी और तुम इन्हें पकड़ लेना। लकड़ियाँ इकट्ठा करने में मजा आ रहा है। बहुत अच्छे, इतनी काफी है। बहुत अच्छा कैंप फायर है, अब जलाते हैं। ये रही माचिस। हमें माचिस की जरूरत नहीं है। डैडी, माचिस के बगैर कैसे जलाओगे? मैं पुराने तरीके से आग जलाने वाला हूँ, दो लकड़ियों को एक दूसरे पर घिस कर। डैडी पिग कैंप फायर जलाने के लिए दो लकड़ियाँ एक दूसरे पर घिस रहे हैं। आग कहाँ है डैडी? थोड़ा सब्र करो। देखा कितना आसान है। अब हम टमाटर का सूप गर्म कर सकते हैं। प्रकृति की आवाजें सुनाई दे रही हैं। ये कैसी आवाज है? ये कीड़ों की चीची आवाज है। ये किसकी आवाज थी? वो उल्लू है, देखो वहाँ पर। वाह, और ये कैसी आवाज है? ओह, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये डैडी के पेट की आवाज है। मेरे पेट की आवाज प्रकृति की सबसे अच्छी आवाज है, इसका मतलब खाने का वक्त हो गया। मुझे टमाटर सूप बहुत पसंद है। मुझे भी। और अब सुनो डैडी पिग की एक और आवाज। क्या? चलो बच्चों, टेंट के अंदर अब सोते हैं। हम सब इसमें कैसे जा पाएंगे, ये तो बहुत छोटा सा है। सब ठीक है, जाओ तो अंदर। चलो मम्मी पिग, थोड़ी जगा दो मुझे। डैडी, आप इस टेंट के लिए बहुत बड़े हैं। कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे बाहर सोना अच्छा लगता है। गुड नाइट डैडी पिग। गुड नाइट डैडी। गुड नाइट। सबको गुड नाइट। मम्मी पिग, पेपा और जॉर्ज टेंट में सो रहे हैं और डैडी पिग बाहर सो रहे हैं तारों के नीचे। मुझे कैंपिंग बहुत पसंद है, खुली हवा में तारों के नीचे सोना। शायद ये आइडिया कुछ खास नहीं था। सुबह हो गई है। डैडी, टेंट में बहुत अच्छा लगा और बहुत मजा आया। ओह, डैडी कहाँ है? डैडी पिग चले गए। बेचारे डैडी पिग, बारिश की वजह से उन्हें ठंड लग रही होगी, अब कहाँ है वो? ये कैसी आवाज है? ये तो खर्राटों की आवाज लग रही है। डैडी पिग, क्या हुआ? डैडी, आप ठीक हैं? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होगा, कैंपिंग में तो मैं एक्सपर्ट हूँ। मैं गाड़ी में आकर सो गया। डैडी पिग, मुझे कैंपिंग बहुत पसंद है। स्नो। आज पेपा और जॉर्ज बहुत खुश हैं। बाहर बर्फ गिर रही है। मम्मी, क्या हम बाहर बर्फ में खेल सकते हैं? हाँ, पर बाहर बहुत ठंड है, तो गर्म कपड़े पहन कर जाओ। अपने कैप्स, स्कार्फ और ग्लव्स भी पहन कर जाना। बाहर बहुत ठंड है। पेपा और जॉर्ज को कैप्स, स्कार्फ्स और ग्लव्स पहनने होंगे। चलो जॉर्ज। पेपा और जॉर्ज बर्फ में पैरों के निशान बना रहे हैं।
पेपा और जॉर्ज को बर्फ में पैरों के निशान बनाना बहुत पसंद है। ओ, ये क्या? इसमें हंसने वाली क्या बात है? जॉर्ज, चलो बर्फ के गोले बनाते हैं। पेपा ने एक स्नोबॉल बनाया है। पेपा और जॉर्ज को बहुत मजा आ रहा है। वापस आ जाओ जॉर्ज के बच्चे। ओहो, लगता है कि खेल थोड़ा ज्यादा रफ हो गया। सॉरी जॉर्ज। जॉर्ज, चलो स्नोमैन बनाते हैं। पेपा और जॉर्ज एक स्नोमैन बना रहे हैं। पहले उन्होंने उसका शरीर बनाया। जॉर्ज, ये स्नोमैन का शरीर है। अब वो स्नोमैन का सिर बनाएंगे। अब इसे चाहिए हाथ, आंख और एक मुंह। जॉर्ज को स्नोमैन के हाथों के लिए लकड़ियां मिली हैं। पेपा को स्नोमैन की आंखों के लिए और मुंह के लिए पत्थर मिले हैं। ये इसका चेहरा है। अब स्नोमैन को नाक की जरूरत है। स्नोमैन की नाक बनाने के लिए पेपा गाजर लेकर आई। स्नोमैन बहुत खुश लग रहा है, पर शायद उसे थोड़ी ठंड लग रही है। स्नोमैन को ठंड लग रही है, उसे कपड़े चाहिए। स्नोमैन को गर्मी दिलाने के लिए जॉर्ज को कुछ कपड़े मिले हैं। स्नोमैन ने पहनी अपनी कैप, स्कार्फ और ग्लव्स। मम्मी, डैडी, आइए और देखिए। मम्मी ने पहनी है अपनी टोपी, स्कार्फ और ग्लव्स। मैंने आज से पहले इससे अच्छा स्नोमैन कभी नहीं देखा। डैडी पिग को ठंड लग रही है। उन्होंने अपनी कैप, स्कार्फ और ग्लव्स नहीं पहने। डैडी, आपने अपनी कैप, स्कार्फ और ग्लव्स क्यों नहीं पहने? मुझे पता नहीं वो कहाँ है, कहीं मिल ही नहीं रहे। शायद मुझे पता है कि डैडी की कैप, स्कार्फ और ग्लव्स कहाँ हैं। डैडी की कैप, स्कार्फ और ग्लव्स स्नोमैन ने पहने हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। मम्मी और डैडी पिग घर की सफाई कर रहे हैं। मम्मी पिग और मुझे अटारी में से पुराना बॉक्स मिला है। कोई बता सकता है इसके अंदर क्या है? नहीं। इसमें भरे हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। वाओ! ये थोड़े पुराने और धूल भरे हैं। ये वायलिन है, जब मैं छोटी थी इसे बजाती थी। मम्मी, क्या आप ये वायलिन बजा सकती हैं? मैंने इसे बहुत समय से नहीं बजाया। प्लीज मम्मी, प्लीज इसे बजाइए। उम्मीद है मैं नहीं भूली। वाह वाह! मम्मी, क्या मैं भी वायलिन बजाऊं? इसे ऐसे पकड़ो। ठीक है मम्मी। ओ डियर, मुझे नहीं लगता इसमें से ऐसी आवाज आनी चाहिए।
जॉर्ज भी बजाना चाहता है। इसे ऐसे पकड़ो जॉर्ज। ये आवाज भी ठीक नहीं लगती है। वायलिन बजाना बहुत मुश्किल है। पेपा, लगता है तुम ये टिन ड्रम अच्छा बजा सकती हो। शुक्रिया डैडी। ये आवाज ठीक है। पेपा को ड्रम बजाना अच्छा लगता है। बहुत अच्छे। हाँ, इसकी आवाज बहुत अच्छी है। ये डैडी पिक का पुराना अकॉर्डियन है। मैं ये मम्मी पिक के लिए बजाता था जब हम पहली बार मिले थे। ओह डैडी पिक, मुझे ये धुन याद है। जॉर्ज भी अकॉर्डियन बजाना चाहता है। तुम बजाओगे जॉर्ज? अकॉर्डियन काफी मुश्किल है। जॉर्ज, ये अकॉर्डियन बजाना उतना ही मुश्किल है जितना कि मेरा ड्रम। ठीक है जॉर्ज। शायद जॉर्ज अकॉर्डियन बजाने के लिए अभी थोड़ा छोटा है। डैडी, इस बॉक्स में और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं? बस ये हॉर्न। क्या मैं बजाऊं? तुम्हें इसे बहुत जोर से बजाना होगा। इसकी आवाज ठीक नहीं लगती। ये बिल्कुल नहीं बजता। मुझे लगता है मैं इसे बजा सकती हूँ। इसकी आवाज सच में अच्छी नहीं है। हो, शायद इसके लिए कोई बड़ा और ताकतवर चाहिए मेरी तरह। ये आवाज भी अच्छी नहीं है। पेपा ठीक कहती है, ये बिल्कुल नहीं बजता। कोई बात नहीं डैडी पिग, आप सिर्फ अकॉर्डियन बजाओ। आप इसे बहुत अच्छा बजाते हो। ठीक है, मैं इसे अच्छा बजाता हूँ, ये तो मैं खुद ही कह रहा हूँ। और मैं अपना वायलिन बजाऊंगी। और मैं ड्रम बजाऊंगी। मम्मी पिग वायलिन बजाती है, डैडी पिग अकॉर्डियन बजाते हैं, पापा ड्रम बजाती है। लेकिन जॉर्ज कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाएगा? जॉर्ज हॉर्न बजा रहा है। मम्मी इसे नहीं बजा सकी, डैडी इसे नहीं बजा सके, और मैं भी इसे नहीं बजा सकी, लेकिन जॉर्ज इसे बजा सकता है। पेपा और जॉर्ज प्ले ग्रुप में जा रहे हैं। ये जॉर्ज का पहला दिन है। जॉर्ज, क्या तुम्हें प्ले ग्रुप में जाना अच्छा लग रहा है? डैडी, मुझे लगता है जॉर्ज अभी प्ले ग्रुप के लिए बहुत छोटा है। वो ठीक रहेगा पेपा, और फिर तुम और मिस्टर डायनासोर वहाँ उसके साथ रहोगे। डायनासोर। लेकिन मैं बड़े बच्चों के साथ खेलना चाहती हूँ, ना कि जॉर्ज और उसके डायनासोर से। ओह डियर, पेपा जॉर्ज के साथ प्ले ग्रुप में जाना नहीं चाहती। हम पहुंच गए। डैडी, आपको यकीन है जॉर्ज बड़ा हो गया है? वो ठीक रहेगा। ठीक है, ये आ सकता है। बाय बाय। मैडम गजेल प्ले ग्रुप के बच्चों की देखभाल करती है। हेलो, ये है मेरा छोटा भाई जॉर्ज। हेलो जॉर्ज। काश मेरा भी एक जॉर्ज जैसा एक छोटा भाई होता। सच में? हेलो, मैं हूँ डैनी डॉग। क्या ये डायनासोर है? ये सिर्फ एक खिलौना डायनासोर है। डायनासोर।
शानदार डायनासोर। सच में डरावना है। ये शानदार है। जॉर्ज मेरा भाई है और वो कमाल का है। पेपा को अपने छोटे भाई जॉर्ज पर गर्व है। चलो हम जॉर्ज को बताते हैं कि तस्वीरें कैसे बनती हैं। जॉर्ज की पेंटिंग इतनी अच्छी नहीं है। शायद तुम उनकी मदद कर सकती हो। हाँ, मुझे बहुत अच्छी आती है। मैं इसे दिखाऊंगी फूल कैसे पेंट करना है। जॉर्ज, आज मैं तुम्हें सिखाऊंगी फूल कैसे पेंट करते हैं। पहले तुम एक बड़ा सर्कल पेंट करो। नहीं जॉर्ज, ये रंग सही नहीं है। अब तुम फूल की पत्तियों को पेंट करो। जॉर्ज, ये सही शेप नहीं है। अब तुम इसकी डंडी और पत्तियां पेंट करो। परफेक्ट। जॉर्ज, तुमने बिल्कुल गलत बनाया है। देखें तो तुमने क्या बनाया है। मैंने एक फूल पेंट किया है। ये बहुत अच्छा है पेपा। और जॉर्ज ने पेंट किया है एक डायनासोर। ये डायनासोर। शानदार। जॉर्ज और पेपा की तस्वीरों को दीवार पर लगाना चाहिए। हुरे! पेपा, तुम्हें अपने छोटे भाई पर गर्व होना चाहिए। हाँ, मुझे है। घर जाने का समय हो गया और बच्चों के मम्मी पापा उन्हें लेने आ गए हैं। क्या जॉर्ज फिर से आ सकता है? हाँ, और एक अच्छी तस्वीर भी बना सकता है। अगली बार तुम क्या पेंट करोगे जॉर्ज? डायनासोर ग्रिल। एक और डायनासोर की तस्वीर। शायद तुम हमें सिखा सकते हो कि डायनासोर कैसे पेंट करते हैं। शानदार। हाँ, शानदार। तबीयत ठीक नहीं। मम्मी और डैडी पिग ने अभी अभी पेपा और जॉर्ज के लिए नाश्ता बनाया है। नाश्ता तैयार है। पेपा के चेहरे पर लाल दाने निकल आए हैं। मम्मी, मुझे ठीक नहीं लग रहा। मेरी प्यारी पेपा, तुम बीमार लग रही हो। चिंता मत करो, मैं डॉक्टर ब्राउन बियर को बुलाता हूँ। डॉक्टर ब्राउन बियर बोल रहा हूँ। पेपा की तबीयत ठीक नहीं है, उसके चेहरे पर लाल दाने निकल आए हैं। पेपा को आराम करने दो, मैं थोड़ी देर में वहाँ पर पहुँचता हूँ। पेपा को चेक करने डॉक्टर ब्राउन बेयर आए हैं। हेलो बेटा पेपा, कैसी तबीयत है तुम्हारी? मुझे ठीक नहीं लग रहा। अपनी जबान जरा बाहर निकालो। डरने की कोई जरूरत नहीं, पेपा को तो सिर्फ रैशेज आए हैं। मुझे दवाई की जरूरत है। रैशेज जल्दी ठीक हो जाएंगे, पर अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें थोड़ी दवाई दे देता हूँ। हाँ, दीजिए ना। इसका स्वाद शायद ही तुम्हें पसंद आए। चलो अब मुंह खोलो। यक, गंदी और कड़वी। बड़ी ही बहादुर लड़की हो तुम, तुमने दवाई बहुत अच्छे से ली। पेपा को आराम करना चाहिए, उसकी तबीयत के बारे में मैं बाद में फोन करके पूछूंगा। पेपा को लोग मिलने आ सकते हैं? हाँ हाँ, जरूर आ सकते हैं, ये रैशेस फैलेंगी नहीं। गुड बाय। बाय बाय डॉक्टर ब्राउन बेयर। मामी, क्या मैं उठ सकती हूँ? डॉक्टर ब्राउन बेयर ने कहा है कि तुम्हें कुछ देर आराम करना है पेपा। पर ये कितना बोरिंग है। डॉक्टर ने ये भी कहा है कि तुम्हें मिलने लोग आ सकते हैं। क्या सूजी शीप मुझसे मिलने आ सकती है? सूजी शीप पेपा की बेस्ट फ्रेंड है। मैं उसकी मम्मी को फोन करती हूँ। हेलो मिसेस पिग। पेपा सूजी से बात करना चाहती है। हेलो सूजी।
हेलो पेपा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे चेहरे पर रैश है। डॉक्टर आए थे क्या? हाँ, डॉक्टर ब्राउन बेर आए थे। उन्होंने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पर मैं बहुत बहादुर हूँ। तो तुम सचमुच बीमार हो? हाँ हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रही, मुझे बिस्तर में ही रहना है। डॉक्टर ब्राउन बेर ने मुझे एक बहुत ही गंदी और कड़वी दवाई दी थी। मैं तुम्हें देखने आ रही हूँ। मैं नर्स वाले कपड़े पहन कर आती हूँ। सूजी शीप पेपा से मिलने आई है। सूजी अपने नर्स वाले कपड़े पहने हैं। डैनी डॉग और रबेका रैबिट भी साथ में आए हैं। हेलो पेपा। हेलो। तुम कैसी हो पेपा? मेरी तबीयत ठीक नहीं है सूजी, मुझे बिस्तर पर लेटे रहना है। तुम्हें ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तुम मेरे लिए संतरे का जूस ला सकती हो। ठीक है। लगता है कि पेपा को बड़ा मजा आ रहा है। थैंक यू सूजी। अभी कुछ ठीक लग रहा है? हाँ थोड़ा सा। डैनी, मेरी मम्मी से पूछो क्या मैं आइसक्रीम खा सकती हूँ, और रिबेका क्या तुम बगीचे से मेरे लिए फूल ला सकती हो? पेपा ठीक हुई या नहीं ये देखने के लिए डॉक्टर ब्राउन बेर आए हैं। अरे वाह, नर्स तो पहले से ही पहुंच गई। तो बताओ मरीज कैसा है? मैं असली नर्स नहीं हूँ, मैं तो बस ऐसे ही। अच्छा जी, तो क्या मैं उसे देख सकता हूँ? हाँ प्लीज। अरे वाह, रैशेस गायब हो गए हैं, तुम तो बिल्कुल ठीक हो गई। क्या मैं थोड़ी भी बीमार नहीं हूँ? अब कैसा लग रहा है? मुझे लगता है और थोड़ी देर लेटे रहना चाहिए। मुझे इस बॉल के साथ बगीचे में जाकर खेलना है। कौन आएगा मेरे साथ? मैं भी। अरे ये क्या, तुम तो बिल्कुल ठीक हो गई। पिकनिक। ये एक बड़ा प्यारा सा सुहाना दिन है। पेपा और उसका परिवार पिकनिक के लिए जा रहे हैं। डैडी पिग पिकनिक की टोकरी ला रहे हैं। पिकनिक ब्लैंकेट, ब्रेड, चीज, टमाटर और लेमोनेड। हम कुछ भूल तो नहीं रहे हैं ना? मम्मी का स्ट्रॉबेरी केक। ओहो, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। मम्मी का घर का बनाया स्ट्रॉबेरी केक कहाँ है? सब तैयार? तैयार। तो फिर चलो। ये हमारी पिकनिक के लिए बहुत सही जगह है। बाहर अच्छा लगता है, हमें थोड़ा दौड़ना चाहिए और थोड़ी कसरत करनी चाहिए। मैं तो खाना चाहती हूँ और सोना चाहती हूँ, और दौड़ना तो बिल्कुल नहीं चाहती। मुझे लगता है डैडी को थोड़ा दौड़ना चाहिए, उनका पेट बहुत बड़ा है। पर मेरा पेट बड़ा नहीं है, लेकिन मैं बाद में थोड़ी कसरत करूँगा, चाहे कोई और करे ना करे। चलो खाते हैं। अच्छा आइडिया है मम्मी पिग, मुझे बहुत भूख लगी है। स्वादिष्ट है। मुझे बहुत नींद आ रही है। मुझे लगा था तुम थोड़ा दौड़ोगे डैडी पिग। बाद में। देखो वहाँ तालाब में बत्तख है। मम्मी, क्या हम बत्तखों को खिला सकते हैं? हाँ, तुम उन्हें ब्रेड खिला सकती हो। पेपा और जॉर्ज को बत्तखों को खिलाना अच्छा लग रहा है। मम्मी, मुझे लगता है उन्हें थोड़ा और चाहिए। पेपा, वो आखिरी ब्रेड थी और उन्होंने काफी खा लिया है। मुझे माफ कीजिए, हमारे पास और ब्रेड नहीं है। बत्तखों को और खाना चाहिए। लगता है डैडी पिग ने कुछ ज्यादा ही कसरत कर ली है। क्या? अब तुम यहाँ क्यों आई? पेपा ने तुम्हें बताया ना, यहाँ और ब्रेड नहीं है। मम्मी, हमारे पास स्ट्रॉबेरी केक है।
ठीक है, अगर केक बच गया तो तुम उन्हें खिला सकती हो। मम्मी पिग का घर का बनाया स्ट्रॉबेरी केक सबको पसंद आया। एक मक्खी, मुझे मक्खियों से चिढ़ है। शू, चिढ़ने की क्या बात है मम्मी पिग, ये सिर्फ एक मक्खी ही तो है। चलो जाओ मक्खी। बिल्कुल हिलना मत मम्मी पिग, ये उड़ जाएगी। देखा तुमने, तुम्हें कहा था बस हिलना मत। अरे चली जाओ, बचाओ इसे, भगाओ भगाओ इसे। उम्मीद है मक्खी डैडी को काटेगी नहीं। ओ, दूर हटो छोटी सी मक्खी। नहीं, डैडी मक्खी से बहुत ज्यादा तेज भाग रहे हैं। इसके पहले कि मक्खी वापस आ जाए हमें केक खा लेना चाहिए। ओ नहीं, हम बत्तखों के लिए बचाना तो भूल ही गए। मेरे ख्याल से वो चली गई है। आपने कहा तो था कि आप दौड़ेंगे और कसरत करेंगे डैडी पिग, लेकिन यकीन नहीं होता कि ऐसा किया। अच्छा हुआ मैंने अपना स्ट्रॉबेरी केक किसी तरह से बचा लिया। रुकिए डैडी, हमने बचा हुआ केक बत्तखों को खिलाने का वादा किया है। ओ, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। चलो डैडी को शुक्रिया कहो। तुम्हारा स्वागत है। हो हो। घर जाने का समय हो गया, बत्तखों को गुड बाय कहो। बाय बाय बत्तख, तुमसे फिर मिलेंगे। Daddy loses his glasses. डैडी पिग चश्मा पहनते हैं। उन्हें साफ देखने के लिए चश्मा पहनना पड़ता है। जब डैडी पिग चश्मा पहनते हैं तो उन्हें सब कुछ साफ दिखता है, लेकिन जब डैडी पिग चश्मा उतार देते हैं तो उन्हें चीजें साफ नहीं दिखती हैं। सब कुछ हल्का और धुंधला दिखता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि डैडी पिग को पता हो कि उनका चश्मा कहाँ है। कभी कभी डैडी पिग अपना चश्मा खो देते हैं। पेपा, जॉर्ज, क्या तुमने डैडी पिग का चश्मा देखा है? उन्हें वो कहीं नहीं मिल रहा। नहीं मम्मी। पेपा और जॉर्ज नहीं जानते कि डैडी पिग का चश्मा कहाँ है। ओह डियर, डैडी पिग उसके बिना कुछ नहीं देख पाते और फिर वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। बिना अपना चश्मा पहने डैडी पिग अपना अखबार नहीं पढ़ सकते। ये बहुत अजीब है, मैं कुछ नहीं देख सकता। किसी ने तो मेरा चश्मा कहीं रखा होगा। क्या आपको याद है आपने उन्हें आखिरी बार कहाँ रखा था? जब मैं वो नहीं पहनता तो हमेशा उसे अपनी जेब में रखता हूँ, लेकिन अब वो वहाँ नहीं है। डैडी, क्या हम चश्मा ढूंढने में आपकी मदद करें? अच्छा आइडिया है, अगर उसे ढूंढ लोगी तो डैडी चिड़चिड़ाना बंद कर देंगे। मैं चिड़चिड़ा नहीं रहा हूँ। पेपा और जॉर्ज डैडी का चश्मा ढूंढ रहे हैं। पेपा अखबार के नीचे देखती है, लेकिन डैडी पिग का चश्मा वहाँ नहीं है। जॉर्ज टीवी के ऊपर देखता है, लेकिन डैडी पिग का चश्मा वहाँ भी नहीं है। चलो ऊपर मम्मी डैडी के बेडरूम में देखते हैं। पेपा और जॉर्ज मम्मी और डैडी पिग के बेडरूम में ढूंढ रहे हैं। जॉर्ज, ध्यान से किसी चीज से टकरा मत जाना। ये कोई मजाक नहीं है। पेपा तकिए के नीचे देखती है, लेकिन डैडी पिग का चश्मा वहाँ भी नहीं है। जॉर्ज डैडी के स्लीपर्स में देखता है, लेकिन चश्मा वहाँ भी नहीं है। चलो
बाथरूम में देखते हैं। पेपा और जॉर्ज बाथरूम में ढूंढ रहे हैं। चश्मा टब में नहीं है। चश्मा टॉयलेट में भी नहीं है। ये बहुत मुश्किल है। पेपा और जॉर्ज को डैडी पिग का चश्मा कहीं नहीं मिल रहा है। हमने सब जगह देखा लेकिन हमें डैडी का चश्मा नहीं मिला। ओह डियर, अब हम क्या करें? लगता है मुझे उसके बिना ही काम चलाना होगा। अगर मैं धीरे चलूंगा तो मैं चीजों से नहीं टकराऊंगा। ये यहाँ है डैडी का चश्मा। डैडी पिग, आप तब से उसी पर बैठे हुए थे। ओह अब भी ना डैडी। पता नहीं ये यहाँ कैसे पहुँचा। मैं जानती हूँ कैसे। आप थोड़े भुलक्कड़ तो हैं डैडी पिग, लेकिन अब आप चिड़चिड़े तो नहीं हैं? मैं चिड़चिड़ा नहीं रहा था। The Sleepy Princess। रात हो चुकी है। पेपा और जॉर्ज सोने जा रहे हैं। गुड नाइट पेपा और जॉर्ज। मम्मी, डैडी। बोलो पेपा। मुझे नींद नहीं आ रही है, क्या आप मुझे कहानी सुनाओगे? पर शायद जॉर्ज को नींद आ रही है और उसे कहानी नहीं सुननी। जॉर्ज, क्या तुम्हें कहानी सुननी है? हाँ बोलो। ठीक है, मैं तुम्हें सिर्फ एक कहानी सुनाऊंगा। अगर डैडी पिग ने तुम्हें कहानी सुनाई तो प्रॉमिस करो कि तुम दोनों सो जाओगे। हम प्रॉमिस करते हैं। तो आज मैं तुम्हें स्लीपी प्रिंसेस की कहानी सुनाऊंगा। क्या ये एक अच्छी कहानी है? लगता है बोरिंग है। बोरिंग नहीं बल्कि बहुत अच्छी है। क्या उसमें एक छोटी सी राजकुमारी है? पापा, अगर तुम बातें करती रहोगी तो डैडी पिग कहानी कैसे सुनाएंगे? सॉरी मम्मी, क्या कहानी में एक छोटी सी राजकुमारी है डैडी? हाँ, कहानी में एक छोटी राजकुमारी है। एक स्लीपी प्रिंसेस। बहुत पहले की बात है, एक महल में एक छोटी राजकुमारी रहती थी और उसे कहते थे स्लीपी प्रिंसेस। डैडी, उसे ऐसा क्यों कहते थे? ये मैं बाद में बताऊंगा। क्या स्लीपी प्रिंसेस बहुत सुंदर थी? हाँ, बहुत सुंदर। उसे अपने आप को आईने में देखना बहुत पसंद था। ओह, मैं कितनी सुंदर हूँ। उस महल में और कौन कौन रहता था? वहाँ अब उस महल में रहते थे एक छोटा सा प्रिंस, क्वीन मम्मी और किंग डैडी। बिल्कुल, वो सभी साथ रहते थे। क्या किंग डैडी का भी पेट बड़ा था? बिल्कुल नहीं, वो तो हैंडसम थे मेरी तरह। और हाँ, वहाँ पर एक ड्रैगन भी था। डायनासोर? अरे हाँ, वो ड्रैगन नहीं था, वो डायनासोर था। बाहर एक बड़ा भयंकर डायनासोर था। ओहो, शायद वो डायनासोर इतना भी भयानक नहीं था, है ना डैडी पिग? सॉरी जॉर्ज, नहीं, वो डायनासोर बहुत दयालु था। वो सिर्फ घास खाता था। डैडी पिग। ओप्स, सॉरी, मैं भी डायनासोर बन गया। डैडी, प्रिंसेस को स्लीपी प्रिंसेस क्यों कहते थे? वही तो बता रहा हूँ। वो क्या हुआ, शाम हो गई, तारे और चांद दिखने लगे और सबको बहुत नींद आने लगी। पर सबसे ज्यादा नींद स्लीपी प्रिंसेस को आई। पेपा,
नींद आ रही है? नहीं डैडी, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही। पर किसी को आ गई है। जॉर्ज उठो भी, कहानी का अंत सुनना है कि नहीं? पेपा को तो नींद नहीं आ रही होगी, पर स्लीपी प्रिंसेस सो गई थी। सारा दिन आईने में देखकर वो पूरी तरह से थक गई थी। चलो तुम्हें बिस्तर पर सुलाता हूँ। गुड नाइट। और फिर इस तरह से स्लीपी प्रिंसेस गहरी नींद सो गई। कहानी के लिए थैंक यू किंग डैडी। यू आर वेलकम क्वीन मम्मी। और हमारे छोटे प्रिंस और प्रिंसेस को भी बड़ा मजा आया। दादा पिग की बोट। दादा पिग, पेपा और जॉर्ज दिन भर नदी पर घूमने जा रहे हैं। तुम्हारा स्वागत है प्यारे बच्चों। पेपा, जॉर्ज, चलो लाइफ जैकेट्स पहन लो। दादा पिग की बोट पर पेपा और जॉर्ज को लाइफ जैकेट्स पहनने ही पड़ते हैं। पता है बच्चों, इस बोट का कैप्टन मैं हूँ। आई आई कैप्टन। आई आई कैप्टन। जब कैप्टन दादा तुम सबको कुछ करने के लिए कहते हैं तो तुम्हें वो करना चाहिए। बेवकूफी छोड़ कर। कैप्टन दादा कोई बेवकूफी वाली बात नहीं करते। बिल्कुल नहीं कैप्टन दादा। जॉर्ज, झंडा लहराओ। पेपा, बेल बजाओ। आई आई कैप्टन। दादी पिग, व्हील संभालो। आई आई कैप्टन। चलो चलते हैं। शायद आपको थोड़ा धीरे चलाना चाहिए। तुमने सही कहा दादी पिग, मुझे अपना सारा पेट्रोल खत्म नहीं करना है। दादा पिग, तेज चलिए ना, अच्छा लग रहा था। जाएंगे बेटा जाएंगे, हम बाद में तेज जाएंगे। देखिए एक और बोट। ये है दादा डॉग, वो डैनी को दिन भर नदी पर घुमाने लेकर आए हैं। कैसे हो डैनी और दादा डॉग? ओहो, कैसे हो दादा पिग? हेलो डैनी। हेलो पेपा। दादा डॉग दादा पिग के बेस्ट फ्रेंड हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम्हारी बोट अभी भी तैर रही है दादा डॉग, वो तो तुम्हारी जितनी ही पुरानी है। ये पुरानी बोट तुम्हारी जंग लगी बाल्टी से ज्यादा तेज चलती है दादा पिग। ओ अच्छा, तो चलो समुद्री डॉग रेस लगा कर देखते हैं। हारने के लिए तैयार हो जाओ पानी पिग। आप दोनों छोटे बच्चों की तरह बर्ताव कर रहे हैं। दादा डॉग ने मुझे पानी पिग कहा। आपने पहले उन्हें समुद्री डॉग कहा दादा, आपको सॉरी बोलना चाहिए। अगर उसने पहले सॉरी बोला तो बोलूँगा। दादा, अपने दोस्त दादा पिग को सॉरी बोलिए, वो आपके बेस्ट फ्रेंड है ना? नहीं, वो पानी पिग है और मेरी बोट उसकी बोट से ज्यादा तेज है। अच्छा तो ठीक है समुद्री डॉग, अगले ब्रिज तक रेस लगाते हैं। तो चलो तीन तक गिनते हैं। एक, दो, तीन। तुमने बहुत जल्दी शुरू किया। मुझे पकड़ के दिखाओ पानी पिग। समुद्री डॉग। बस इतना ही तेज भगा सकते हो तुम, मुझे नहीं पकड़ सकते। मैं जीत गया। ओह ये क्या, दादा पिग की बोट का पेट्रोल खत्म हो गया। बहुत होशियारी की कैप्टन दादा। शायद मैंने कुछ ज्यादा ही तेज चला दी। हम वापस घर कैसे जाएंगे? वो देखिए दादा डॉग। दादा डॉग हमें खींच कर वापस ले जाएंगे। नहीं, मुझे उस समुद्री डॉग से अपनी बोट को नहीं खिंचवाना। मैंने उस पानी पिग को खींचने के लिए पूछा भी नहीं। क्या आप दोनों कभी बड़े होंगे? दादा पिग, अब दादा डॉग को सॉरी बोलिए। मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें समुद्री डॉग कहा। दादा, दादा पिग को सॉरी बोलिए ना। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें पानी पिग कहा। बहुत अच्छे दादा डॉग,
क्या आप हमें खींच कर घर तक ले जाएंगे? और ये करने में मुझे बहुत ही खुशी होगी मैडम। इसे पकड़ो कैप्टन। ऑल राइट स्किपर। दादा डॉग दादा पिक के बेस्ट फ्रेंड हैं। दादा डॉग दादा पिक की बोट को खींच कर घर ले जा रहे हैं। सबसे मजेदार बात तो ये है कि मैं रेस जीत गया। दादा पिग, शरारती दादा पिग। पेपा, बेल बजाओ। आई आई कैप्टन। लंच। पेपा और जॉर्ज दादी और दादा पिग के घर लंच पर आए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, खाने के लिए बगीचे से कुछ सब्जियां लाना चाहोगे? जी दादी। दादा पिग। दादी। हेलो पेपा, जॉर्ज। ये है दादा पिग का सब्जियों का बगीचा। ये सारी सब्जियां उन्होंने खुद उगाई हैं। ये क्या है? डायनासोर। एक डायनासोर। चलो बच्चों, खाने के लिए कुछ सब्जियां चुनते हैं। पेपा, तुम्हें टमाटर पसंद है? जी दादा पिग। जॉर्ज, क्या तुम्हें टमाटर पसंद है? ना। जॉर्ज को टमाटर पसंद नहीं है। ओहो। तुम्हें सलाद के पत्ते पसंद हैं? जी दादा पिग। ना। जॉर्ज को सलाद के पत्ते भी पसंद नहीं। ओफो, मेरे पास कुछ तो ऐसा होगा जो जॉर्ज को पसंद हो। क्या तुम्हें खीरा पसंद है? यक। जॉर्ज को खीरा पसंद नहीं और सलाद के पत्ते भी पसंद नहीं और टमाटर भी नहीं। तो जॉर्ज, तुम्हें कौन सी सब्जी पसंद है? चॉकलेट केक। भुट्टू जॉर्ज, चॉकलेट केक कोई सब्जी थोड़ी है। सब्जियों का जब अच्छा सलाद बन जाए तब शायद जॉर्ज को वो पसंद आएंगी। वाह, बढ़िया टमाटर, सलाद पत्ते और खीरा। पहले इन्हें अच्छे से धोना होगा। पेपा और जॉर्ज दादी पिक की सब्जियां धोने में मदद कर रहे हैं। बस अब धोना बहुत हुआ। दादी पिग ने टमाटर, सलाद पत्ते और खीरे का सलाद बनाया। दादा पिग, सबको लंच पे बुलाइए। लंच। दादी पिग ने खाने में पिज्जा बनाया है। और ये रहा सलाद, दादा के टमाटर, सलाद पत्ते और खीरा के साथ। खाना शुरू करो। जॉर्ज ने अपना पिज्जा खाया पर जॉर्ज को टमाटर, सलाद पत्ते और खीरा पसंद नहीं। ओ जॉर्ज, क्या तुम्हें सलाद पसंद नहीं? नहीं। जॉर्ज, इस ताजे टमाटर का एक टुकड़ा खाकर तो देखो। या। जॉर्ज, ये खीरा है, दादा पिग ने इसे अपने बगीचे में उगाया है। याक। सलाद पत्ते का एक टुकड़ा खा लो, बहुत ही स्वादिष्ट है। ओहो, रो नहीं जॉर्ज। देखो मैं क्या बनाता हूँ। अब ये बन गया है डायनासोर। डायनासोर। जॉर्ज को डायनासोर बहुत पसंद है। जॉर्ज टमाटर, सलाद पत्ते और खीरा खा रहा है। शाबाश जॉर्ज। थोड़ा और लोगे जॉर्ज? पड़ गया। जॉर्ज, क्या तुम और टमाटर, सलाद पत्ते और खीरा नहीं खा सकते? जॉर्ज का पेट भर गया है। जॉर्ज, क्या तुम्हारा पेट इतना भर गया है कि तुम कुछ भी नहीं खा सकते? जॉर्ज और कुछ भी नहीं खा सकता। ओ, तो तुम ये चॉकलेट केक बिल्कुल नहीं खाना चाहते? चॉकलेट केक। वाह वाह,
लगता है जॉर्ज को दोबारा भूख लग गई। The Tooth Fairy. पेपा और जॉर्ज अपना फेवरेट खाना खा रहे हैं, नूडल्स। कितना शोर मचा रहे हो। खत्म हुआ। अब हमें थोड़ी शांति मिलेगी। ये क्या है? ये दांत है। ये कहाँ से आया? पेपा, तुम्हें जाकर आईने में देखना चाहिए। ये तो मेरा दांत है। ये कैसे गिर गया? फिक्र मत करो पेपा, ये दूध का दांत है, वो तो गिरते ही है। नया दांत आ जाएगा ना मम्मी? हाँ जरूर आएगा पेपा। इसका ये मतलब है कि आज टूथ फेरी तुमसे मिलने आएगी। टूथ फेरी? हाँ टूथ फेरी। अगर तुम अपना दांत तकिए के नीचे रखोगी तो टूथ फेरी आएगी। टूथ फेरी तुम्हारा दांत लेकर जाएगी और उसकी जगह वो एक चमचमाता सिक्का रखेगी। जब मैं बड़ी होंगी मैं टूथ फेरी बनूंगी। और जब तुम बड़े हो जाओगी तो तुम क्या बनोगे जॉर्ज? डायनासोर। एक डायनासोर। जल्दी करो जॉर्ज, सोने का वक्त है, नहीं तो हम टूथ फेरी को नहीं देख पाएंगे। सोने से पहले पेपा और जॉर्ज अपने दांत ब्रश करते हैं। पेपा तुम क्या कर रही हो? मैं अपना दांत ब्रश कर रही हूँ ताकि टूथ फेरी के लिए वो अच्छा और साफ हो। पेपा जल्द से जल्द सोना चाहती है। पेपा अपना टूटा हुआ दांत तकिए के नीचे रखती है टूथ फेरी के लिए। गुड नाइट पेपा और जॉर्ज। गुड नाइट मम्मी। गुड नाइट डैडी। गुड नाइट प्यारे बच्चों। जॉर्ज मैं तो सोऊंगी नहीं। चलो हम दोनों पूरी रात जागते हैं और टूथ फेरी से मिलते हैं। ये टूथ फेरी कब आएगी? टूथ फेरी को आने में काफी देरी हो रही है। कहाँ है वो टूथ फेरी? वो आवाज कैसी थी? क्या वो टूथ फेरी है? जॉर्ज क्या तुमने कुछ सुना? ओह जॉर्ज। ओह ये आवाज तो जॉर्ज के खराटों की है, वो इतना थका हुआ था कि सो गया। जॉर्ज रात को बहुत देर तक जग नहीं सकता, पर मैं जग सकती हूँ। मैं जागते रहूंगी और टूथ फेरी को देखूंगी। मैं नहीं सोने वाली हूँ। आखिरकार टूथ फेरी आ ही गई, लेकिन पेपा सोई हुई है। हेलो पेपा, क्या तुम्हारे दांत के बदले में तुम्हें ये सिक्का चाहिए? वाह, कितना अच्छा और साफ दांत है। थैंक यू पेपा। गुड नाइट। पापा, जॉर्ज उठ जाओ, सुबह हो गई। क्या मैं सोई नहीं थी? क्या टूथ फेरी आई थी? नहीं आई। चलो तकिए के नीचे देखते हैं। देखो पापा, टूथ फेरी आई थी और उसने तुम्हारे लिए गोल्ड कॉइन रखा। तुम सो गई थी है ना? शायद मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी, लेकिन अगली बार मैं जगी रहूंगी और टूथ फेरी से जरूर मिलूंगी। फ्लाइंग अ काइट। ये चमकता हुआ एक सुनहरा दिन है। पेपा और उसका परिवार पार्क में है। वो एक पतंग उड़ाने वाले हैं।
पहले जॉर्ज पतंग उड़ाएगा। जॉर्ज बहुत तेज दौड़ता है लेकिन उसकी पतंग नहीं उड़ती। जॉर्ज तुम सब गलत कर रहे हो, तुम बहुत तेज नहीं दौड़े। अब मेरी बारी है। पेपा बहुत तेज दौड़ती है लेकिन पतंग अभी भी नहीं उड़ी। बाहर हवा नहीं है तो पतंग नहीं उड़ेगी, चाहे तुम कितना भी तेज दौड़ लो। जब तक थोड़ी हवा ना चले हम सबको इंतजार करना होगा। देखो हवा चल रही है। अब जबकि हवा चल रही है तो पतंग उड़ सकती है। अब हवा काफी तेज है। अब हवा कुछ ज्यादा ही तेज है। शुक्रिया डैडी। डैडी पिग पतंग उड़ाते हैं। और ऊपर और ऊपर। डैडी पिग बहुत अच्छी पतंग उड़ाते हैं। वाओ। मैं इन चीजों में थोड़ा माहिर हूँ। उन पेड़ों से बचो, तुम्हारी पतंग उनमें फंस सकती है। चिंता मत करो, मुझे मालूम है क्या करना है। ओह डियर, डैडी पिग की पतंग एक पेड़ में अटक गई। ओह नहीं। चिंता मत करो जॉर्ज, डैडी पतंग को नीचे उतार लेंगे। ध्यान से, वहाँ एक बड़ा मिट्टी का गड्ढा है। पेपा और जॉर्ज को मिट्टी के गड्ढे में कूदना अच्छा लगता है। हम गड्ढे में कूद सकते हैं? प्लीज। मैं नहीं चाहती तुम मिट्टी में गंदे हो जाओ। पीछे रहो बच्चो। जरा ध्यान से डैडी पिग। मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। जरा ध्यान से। बस थोड़ा सा और डैडी। डैडी पिग तुम इस टहनी से काफी ज्यादा भारी हो। रहने दो, मैं जानता हूँ मैं इसे कितना भारी हूँ। डैडी पिग ने पतंग को उतार लिया। ओह डियर, सब के सब मिट्टी में सन गए। ये तो सिर्फ मिट्टी है। अच्छा हुआ डैडी पिग को कोई चोट नहीं आई और पतंग पेड़ से निकल आई। मम्मी अब हम गंदे हो गए हैं तो क्या हम मिट्टी में कूद सकते हैं? हाँ ठीक तो है, अब तुम इससे ज्यादा गंदे तो हो नहीं सकते। और मुझे लगता है धुलाई का काम डैडी करने वाले हैं। पेपा और जॉर्ज को मिट्टी के गड्ढे में ऊपर नीचे कूदना अच्छा लगता है। मम्मी और डैडी को मिट्टी के गड्ढे में ऊपर नीचे कूदना अच्छा लगता है। सभी को गड्ढों में कूदना अच्छा लगता है। गड्ढों में ऊपर नीचे कूदने में उतना ही मजा है जितना पतंग उड़ाने में। ट्रेजर हंट। दादा और दादी पिग पेपा और जॉर्ज के लिए ट्रेजर हंट बना रहे हैं। दादी पिग ट्रेजर का मैप बना रही हैं। दादा पिग बगीचे में ट्रेजर को छुपाने के लिए जगह खोद रहे हैं। दादा पिग आपका काम हो गया? पेपा और जॉर्ज आते ही होंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं दादी पिग। पेपा और उसका परिवार आ गया है। जल्दी करो दादा पिग,
वो आ गए। ओह, बस हो ही गया। दादा पिग ने बिल्कुल वक्त पर काम खत्म कर दिया। दादी पिग, हम आ गए। क्या कीजिए? हेलो मेरे प्यारे बच्चों। दादा पिग, दादा जी। ओह, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? पेपा, जॉर्ज तुम्हारे लिए ट्रेजर हंट बनाया है। बगीचे में ही कहीं छुपा हुआ है खजाना। वाओ, खजाना! कहाँ है वो? ओ, वो तो तुम्हें ढूंढना होगा। ये रहा खजाने तक जाने का नक्शा। और जॉर्ज मेरा पायरेट हैट पहन सकता है। ओ हेलो कैप्टन जॉर्ज। ये मैप थोड़ा मुश्किल है, डैडी आप मदद कीजिए। क्यों नहीं पेपा, मुझे मैप पढ़ना आता है। ये थोड़ा मुश्किल है। डैडी पिग, आपने नक्शा उल्टा पकड़ा है। अच्छा, मुझे भी ऐसे लगा था। ये आसान है, लाल क्रॉस दिखाता है खजाना कहाँ है। लेकिन गार्डन में वो दो सेब के पेड़ कहाँ है? मुझे नहीं पता। तुम्हें मदद चाहिए? हाँ प्लीज। पहला क्लू बोतल में है, लेकिन बोतल कहाँ है? मुझे दिख गई। पेपा ने पहला क्लू ढूंढ लिया है। बोतल में मैसेज है। देखिए, ये रही बोतल। शाबाश पेपा, देखते हैं मैसेज में क्या लिखा है। ओह, ये तो एक पायरेट का मैसेज है। मम्मी, क्या आप मैसेज पढ़ सकती हैं? इस समुद्री डाकू की राइटिंग बहुत ही खराब है। नहीं नहीं, पायरेट की लिखावट बहुत अच्छी है। नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं पढ़ पा रही हूँ। पायरेट ने लिखा है, निशानों का पीछा करो। निशान का पीछा करो? जॉर्ज को दूसरा क्लू मिला है, कुछ एरोस के निशान जो लकड़ियों से बने। देखो, वो उस तरफ जा रहे हैं। पेपा और जॉर्ज एरोस का पीछा कर रहे हैं। देखो जॉर्ज, एक चाबी। पेपा को अगला क्लू मिला है, एक चाबी। बहुत अच्छे पेपा, अब सिर्फ तुम्हें खजाने का बॉक्स ढूंढना है जो इसे खुलेगा। लेकिन यहाँ और कोई क्लू नहीं है। तुम्हें नक्शे को ठीक से देखना चाहिए। देखो पेपा, नक्शे में दो सेब के पेड़ भी हैं। यहाँ एक सेब का पेड़ है और ये रहा दूसरा सेब का पेड़। इसका मतलब खजाना यहाँ है। तो चलो देखते हैं। ओ नहीं, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। जरा रुको, यहाँ पर कुछ है। वाओ, खजाना! बहुत अच्छे। मेरे पास इसकी चाबी है। वाओ, यकीन नहीं होता, सोने के सिक्के, ये तो बहुत कीमती होंगे। हाँ, उससे भी ज्यादा, ये सोने के सिक्के नहीं हैं। ये तो चॉकलेट के सिक्के हैं। और यहाँ सबके लिए चॉकलेट के सिक्के हैं। पेपा और जॉर्ज को चॉकलेट के सिक्के पसंद हैं। सभी को चॉकलेट के सिक्के पसंद हैं। दादी, दादा, ये सबसे अच्छे खजाने की खोज थी। Thank you.